प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा समिति की आज पहली बैठक हुई, जिसमें बस्तर के सांसद दीपक बैज को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं दशहरा पर्व में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले मांझी चालुक्यों में सबसे वरिष्ठ अर्जुन मांझी को समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये पहला मौका है जब मांझी को बस्तर दशहरा समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष को समिति का उपाध्यक्ष बनाया जाता था। इसके अलावा सांसद दीपक बैज ने इस बार बस्तर दशहरा पर्व को उधार में नहीं करने का निर्णय लिया है। दशहरा का बैठक है पहले दिन और मनोनीत सांसद तो ही है, उसमें उपाध्यक्ष चुन लेंगे। अभी सभी मांझी चालुक्य निमरानी और नाइक पाइक पुजारी जो आए हैं सभी परगना से और नंबर निमरानी सब चालुक्य मांझी ले। और हमारा जो मांग है अब दिनों दिन तो बढ़ते जा रहा है मांग, है उस मांग को रखेंगे। अभी मांग हमको रहेगा कि का पैसा का भी कहाँ क्या होता है, किसी में सदस्य रहते ना कुछ देते ना, हम लोग को कोई आता पता नहीं था। मन मना करते क्या चीज कहाँ कितना कपड़ा में जाता है, कितना बकरा में जाता है, कितना सामान में, कितना राशन में, कुछ में कि क्या होता है, उसको हमको कोई जानकारी नहीं है। उसी में इतना पैसा आता है तो क्यों जाएंगे। अध्यक्ष चुना गया है दशहरा कमेटी का, मैं बहुत बहुत सभी हमारे बस्तर की जनता को बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से इस समय बस्तर के दशहरा बेहतर ढंग से और अच्छा करने का हम कोशिश करेंगे। और माता जी की आस्था पूरी जोर की तरह बराबर चलेगी, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था में कुछ सुधार करने का हम कोशिश करेंगे।